वैसे आपका नाम क्या है? दिया। किसने रखा? मेरे भैया ने। जब कभी मेरी बहन होगी तो मैं उसका नाम नादिया रखूंगा। वेलकम टू सोशल। लव हमारी फिल्म्स में हमेशा से एक कोर इमोशन रहा है। इट इज समथिंग व्हिच नॉट ओनली मेक्स आवर सिनेमा रिलेटेबल बट आल्सो हाईली मेमोरेबल। और जैसा कि हम जानते हैं कि एक वेल एग्जीक्यूटेड लव स्टोरी के लिए दोनों ही लीड एक्टर्स के बीच की केमिस्ट्री काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है। एंड इफ द केमिस्ट्री बिटवीन द एक्टर्स इज वीक, पूरी फिल्म की फील ही खत्म हो जाती है। इट एंड्स अप रुइनिंग द एक्सपीरियंस ऑफ द फिल्म। इस वीडियो में हम आपको ऐसे ही 10 पुअर ऑन स्क्रीन केमिस्ट्रीज के बारे में बताने जा रहे हैं। ये काफी इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है, इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इसे एंड तक जरूर देखें। Actually, I'm an insomniac. क्या बात कर रही हो? Insomniac? हाँ, ये मुझे भी है। नंबर 10, शाहरुख खान एंड तापसी पन्नू इन डंकी। डंकी की स्टोरी रिवॉल्व करती है इलीगल इमिग्रेशन पे, बट इफ यू लुक क्लोजली इट इज अ लव स्टोरी जहां दो लवर्स को वापस मिलना है। शाहरुख इज नोन फॉर हिज स्ट्रॉन्ग केमिस्ट्री विद हिज फीमेल को-स्टार्स, बट डंकी में उनकी केमिस्ट्री तापसी पन्नू के साथ बहुत ही ऑफ फील होती है। फिल्म की पूरी स्टोरी इन दोनों कैरेक्टर्स के अराउंड बेस्ड थी, पर आपको कभी भी इन दोनों के बीच का कनेक्शन फील नहीं होता है। आस्क योरसेल्फ, वाज शाहरुख एंड तापसी केमिस्ट्री वाज एज गुड एज शाहरुख एंड प्रीति's केमिस्ट्री इन वीर ज़ारा और इवन इन कल होना हो? इन दोनों एक्टर्स की वीक रोमांस की वजह से ऑडियंस फिल्म का कोर इमोशन फील ही नहीं कर पाई थी। सब कुछ बहुत ही प्रिटेंशियस लगता है, एंड आफ्टर फिनिशिंग डंकी यू डू टेक बैक अ डीसेंट फिल्म एक्सपीरियंस बट यू फॉरगेट द लव स्टोरी। नमूना नहीं है ये, नहीं आती अंग्रेजी, हो गई गलती। कुश्ती घुमाती है कोच जी को, वहां गलती नहीं करते। आज तक लाइफ में मेरे लिए कोई लड़ा नहीं है पहले सर जी। नंबर 9, सलमान खान एंड साई मांजरेकर। दबंग 3 में चुलबुल पांडे के यंग दिनों की स्टोरी दिखाई जाती है, जहां उनका एक लव एंगल भी देखने को मिलता है। एक इंटरेस्टिंग आइडिया था जिसे सिर्फ सेंसिबली एग्जीक्यूट करने की जरूरत थी, पर अनफॉर्चुनेटली मेकर से वो भी नहीं हो पाया। जो लव स्टोरी देखने को मिलती है वो बहुत ज्यादा अनकन्विंसिंग थी, क्योंकि दोनों ही एक्टर्स एक दूसरे के साथ बहुत ऑकवर्ड लग रहे थे। दिस मे बी बिकॉज ऑफ द ह्यूज एज गैप और मे बी जस्ट पुअर एक्टिंग। ऐसा लग रहा था कि इनके सीन्स फोर्सफुली शूट करवाए गए हैं, एज देयर वाज एब्सोल्युटली नो स्पार्क बिटवीन दीज टू। हमारे अलावा आप क्या क्या पसंद करती हो? आपके अलावा हमें मामा और हमारी सहेली राजेश्वरी पसंद है। नंबर 8, टाइगर श्रॉफ, अनन्या पांडे एंड तारा सुतारिया इन स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2। स्टूडेंट ऑफ द ईयर 1 कैसी भी हो, बट एटलीस्ट इट हैड अ लव ट्रायंगल दैट बिकेम पॉपुलर। इसी वजह से फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सक्सेसफुल भी रही थी। द क्रेडिट फॉर दिस गोज टू द केमिस्ट्री शेयर्ड बाय सिद्धार्थ, आलिया एंड वरुण। ऑडियंस को पार्ट 2 से भी ऐसी ही एक्सपेक्टेशंस थी, पर पार्ट 2 का सबसे वीक लिंक ही था तीनों एक्टर्स के बीच की केमिस्ट्री। जहां तारा सुतारिया पूरी फिल्म में लॉस्ट लग रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ अनन्या पांडे वाज ओवर एक्टिंग इन एवरी सीन। एंड टाइगर स्क्रीन प्रेजेंस एज यू नो रिमेन्स मोस्टली द सेम, जहां वो एक्शन करते हुए भी ओवर एक्टिंग करते हैं। जस्ट इमेजिन हिम हैविंग टू डू रोमांस विद टू गर्ल्स, इट वाज जस्ट टू मच टू आस्क फ्रॉम हिम। Strong voice उसका weak spot है। उसे अपना ये दिखा। हड्डी। Tricep यार। And then me I'll be all like, Rohan, I love you, Rohan. नंबर 7, सलमान खान एंड डेजी शाह इन जय हो। जय हो एक हार्ड हिटिंग सोशल ड्रामा फिल्म थी जिसमें लव स्टोरी के लिए बिल्कुल भी जगह नहीं थी। इट वॉज कम्प्लीटली अनवॉन्टेड, बट स्टिल द मेकर्स डिसाइडेड टू एड अ रोमांटिक ट्रैक टू द फिल्म। इससे मूवी को अननेसेसरली रोमांटिक बनाने की कोशिश की गई थी। दोनों ही एक्टर्स काफी ओवर एक्टिंग कर रहे थे ताकि वो अपने बीच एक केमिस्ट्री बिल्ड कर सके, बट द ऑडियंस कुड सी दैट बोथ ऑफ देम हैड नो कंपैटिबिलिटी विद ईच अदर। ये सब मिलीभगत है, और तुम गांडो थे क्यों छेके? मेरे बेटे को गांडो बोल रही है, गाली दे रही है। नहीं नहीं, गांडो, GANDO। नंबर 6, शाहिद कपूर एंड आलिया भट्ट इन शानदार। शानदार में शाहिद और आलिया की पेयरिंग को देखने के लिए हर कोई एक्साइटेड था। द सॉन्ग्स वर सुपर हिट एंड एवरीवन थॉट कि दोनों की पेयरिंग बहुत एंटरटेनिंग होगी, बट सैडली जब ये फिल्म रिलीज हुई देन एवरीवन सॉ हाउ बिलो एवरेज देयर केमिस्ट्री वाज। एक तरह से देखा जाए तो इन दोनों की केमिस्ट्री फिल्म देखने के एक्सपीरियंस को और भी डल बना देती है। इट वॉज ऑल्सो अ प्रॉब्लम द वे द फिल्म वॉज डायरेक्टेड। दोनों के सीन्स बहुत ही प्रिटेंशियस फील होते हैं। It was so forgettable कि अगर फिल्म के सॉन्ग्स पॉपुलर ना होते तो शायद हम सब भूल जाते कि शाहिद और आलिया की कोई साथ में फिल्म भी आई थी।
ऐसा कुछ नहीं होने वाला। नंबर 5, आमिर खान एंड कैटरीना कैफ इन धूम 3। धूम 2 का सबसे मेमोरेबल एस्पेक्ट था ऐश्वर्या और ऋतिक की केमिस्ट्री, एंड वी ऑल रिमेम्बर कि इन दोनों की पेयरिंग कितनी पॉपुलर हुई थी। ऑडियंस को धूम 3 से भी सेम एक्सपेक्टेशंस थी, पर अनफॉर्चुनेटली वो सारी ही फेल हो गई। आमिर और कैटरीना पहली बार एक दूसरे के साथ कास्ट हुए थे, एंड देम कमिंग टुगेदर डिड नॉट लिव अप टू द हाइप। देयर केमिस्ट्री वाज सो फ्लैट दैट नोबडी इवन रिमेंबर्स वन ऑफ देयर सीन्स फ्रॉम द फिल्म। ये बहुत ही डिसअपॉइंटिंग था, क्योंकि दोनों ही एक्टर्स के फैंस काफी एक्साइटेड थे इन दोनों को साथ देखने के लिए। कुछ नहीं, एक्चुअली बहुत कुछ हुआ, लाइक इन अ बिग वे, समथिंग इलेक्ट्रिक हम दोनों के बीच। नंबर 4, सिद्धार्थ मल्होत्रा एंड तारा सितारिया इन मरजावां। जिस किसी ने भी ये फिल्म देखी है वो जरूर इस एक्सपीरियंस को भूलना चाहता होगा। There is not even one good thing about this movie, as everything is so superficial. ऐसा लगता है कि ये कोई AI generated film है, जहाँ किसी भी character के बीच में किसी भी तरह की chemistry नहीं है। सिद्धार्थ मल्होत्रा जो usually अपनी strong chemistry के लिए जाने जाते हैं, वो तक यहाँ पर fail हो गए थे। उनकी और तारा सुतारिया की जो love story दिखाई गई है, वो इतनी forced लगती है कि आप उसे tolerate भी नहीं कर सकते हो। इसके अलावा दोनों actors को बहुत ही weird dialogues दिए गए हैं, that you even feel bad for them for doing a film like this. जान तो वो भी लेता है जो तड़पाता है, रुलाता है, जख्म देकर सताता है। कौन है वो? इश्क। नंबर 3, अक्षय कुमार एंड मानुषी छिल्लर इन पृथ्वीराज। अक्षय कुमार हैज गिवन वन ऑफ हिज वर्स्ट परफॉर्मेंसेस इन पृथ्वीराज। इवन द केमिस्ट्री ही शेयर्ड विद मानुषी छिल्लर लैक्ड एनी काइंड ऑफ कैरिश्मा। इन दोनों के सीन्स बहुत ही डल थे, जिससे फिल्म देखने में और भी बोरिंग हो गई थी। हिस्टोरिकल ड्रामास में लव स्टोरीज बहुत ही ग्रैंड दिखाई जाती हैं, एंड दे बिकम एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द फिल्म, पर पृथ्वीराज में दिखाई गई लव स्टोरी हर लेवल पर फेल हो जाती है। आपका इसके बारे में क्या ओपिनियन है? What are the reasons you think for the underwhelming chemistry between Akshay and Manushi? Do let us know your thoughts in the comment section. इश्क का यह दाग मैंने दिल पर नहीं माथे पर लगा लिया है, अब विधाता भी इसे नहीं मिटा पाएगा। नंबर 2, सलमान खान एंड दिशा पाटनी इन राधे। We know Salman is a repeat offender in this video, but it is a fact कि recent years में उनकी chemistry बहुत weak रही है। Even in Radhe, the chemistry was so irrelevant from the very first scene. Salman और Disha को हमने इससे पहले भारत फिल्म में भी एक साथ देखा था। They looked fairly decent there. पर Radhe में इन दोनों को एक साथ देखना audience के लिए intolerable हो गया था। इसके कई रीजन से, जैसे कि फिल्म का underwhelming humor, जो इन दोनों की केमिस्ट्री को एकदम फ्लैट कर देता है। Even जिस तरह से ये दोनों एक्टर्स परफॉर्म कर रहे थे, it looks like they are trying very hard. इन दोनों ही एक्टर्स की बॉडी लैंग्वेज इतनी स्टिफ थी कि उसे देखकर यू स्टार्ट टू फील ऑकवर्ड योरसेल्फ। तुम मेरे लिए इतनी कंसर्न क्यों करती हो? क्योंकि मुझे आई लव यू कहना है। मुझे भी तुमसे आई लव यू कहना। अरे प्रॉब्लम क्या है कहना? नंबर 1, प्रभास एंड कृति सानन इन आदि पुरुष। लॉर्ड राम और सीता के बीच का रिलेशनशिप स्क्रीन पर दिखाना एक बहुत ही चैलेंजिंग टास्क है। ऐसा इसलिए क्योंकि आपको इसके लिए जिस लेवल की सिंसेरिटी चाहिए, वो हमें बॉलीवुड में बहुत कम ही देखने को मिलती है। शायद यही वजह है कि प्रभास और कृति के बीच की केमिस्ट्री फिल्म में एकदम फ्लैट थी। जहाँ प्रभास ने अपनी पूरी परफॉर्मेंस को बहुत ही लेजी वे में पोर्ट्रे किया था, तो वहीं कृति's परफॉर्मेंस लुक्ड वेरी फेक। That is why the scenes that featured them together didn't have any kind of emotional intensity. ये काफी unfortunate था, क्योंकि रामायण का जो core message है, वो ही love के around revolve करता है। और अगर आप उसे भी execute नहीं कर पाए, तो audience तो जरूर disappoint होगी। तुम राजकुमारी हो जानकी, तुम्हारी जगह महलों में। मेरा महल तो वही है, जहाँ मेरे राघव। वीडियो खत्म करने से पहले आप भी हमें बताएं कि इन सारे एक्टर्स में से आपको किसके बीच की केमिस्ट्री सबसे ज्यादा पुअर लगी। टू पिक वन इज डेफिनेटली अ टफ टास्क, बट स्टिल डू गिव इट अ ट्राई। तो चलिए, दैट्स अ रैप ऑन दिस वीडियो। आप हमें इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं @socialofficial, जहां आपको हर तरह की फिल्म और एंटरटेनमेंट से जुड़ी अपडेट्स मिला करेंगी। ऐसी और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए देखते रहिए सोशल, हर उस चीज के लिए जो आप जानना चाहते हैं।